अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन हसन भट्ट और मेरे साथ हैं वेलकम बैक टू लेट्स प्ले बिंगो एंड कांग्रेचुलेशंस टू आवर थ्री विनर्स अगेन वंस अगेन। जिशान साहब ने फर्स्ट गेम विन की, उसके बाद लास्ट गेम जो विन की है जी, उसमें मेरे पास जो विनर आ रहे हैं सरफराज साहब हैं, इनका ताल्लुक है बकर से, और नजम नकवी साहब। फाइनली उन्होंने नकवी फैमिली की तरफ से जो लीड कर रहे हैं नकवी फैमिली को, उन्होंने गेम विन करेंगे आज, इनका ताल्लुक लाहौर से है। अभी हम उनसे बात करेंगे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड गेम। और कंप्यूटर जी, सबसे पहले हमारी बात करवाएंगे सरफराज साहब से जिनका ताल्लुक बकर से है। नजम नकवी साहब से हम बाद में बात करते हैं। तो जी सरफराज साहब को कंप्यूटर जी कॉल में ला रहे हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सरफराज भाई आप, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कैसा लगा आपको गेम खेल के, आपने फर्स्ट टाइम खेली है ये गेम? गेम बिल्कुल फर्स्ट खेली है। ठीक है, तो कैसा लगा खेल के आपको, जीत के फर्स्ट टाइम खेली और फर्स्ट टाइम ही विन कर गए आप? गेम बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो आगे आप अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली में आगे फैलाएंगे इस गेम को? बिल्कुल। ठीक है, तो आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि आपको कैश मनी जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, प्राइस आपका जो आपने विन किया? बिल्कुल पहुंच गया, पहुंच गया। बिल्कुल जी हुसैन भाई, अगर आप कोई मैसेज। बिल्कुल जी सरफराज साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और कदीर खान साहब को तो दुआएं दे रहे होंगे आप? कदीर आपका भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इस गेम को जैसे कदीर खान साहब ने आपको बताया, आपने भी आगे अपने भाइयों को बताना है। ठीक है, ठीक है जी, एक मैसेज भेज दे गेम में कि आपको पैसे मिल गए हैं। ठीक है, भेज दूंगा। बिल्कुल, और तीसरा गेम भी स्टार्ट होने वाला है और दोबारा उसको ज्वाइन कर लें, हो सकता है कि आज आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी हो और आप तीसरा गेम भी विन कर जाएं। तो आ जाएं जल्दी से दोबारा गेम। ठीक हो गया जी, जल्दी से मैसेज कर देंगे आपको पैसे मिल गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी ये थे सरफराज साहब, बकर से ज्वाइन कर रहे थे, हमें जीते हैं दूसरी गेम और दूसरे विनर को कॉल करते हैं। नजर नकवी साहब को जी कॉल मिलाई जा रही है। नजर साहब जल्दी से एक्टिव हो जाएं, आपको कॉल आ रही है, जल्दी कॉल पिक करिए हमारी। अस्सलाम वालेकुम जी नजर भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आपको कंप्यूटर जी ने जो है किस्मत के चरखे ने आपको शर्मिंदगी से बचा लिया है। आखिर मैं जीत ही गया, आखिर मैं घर में, मेरा ख्याल है मेरे घर में तकरीबन कोई 12 से 15 लोग गेम खेल रहे हैं, जिसमें से सब के निकल के एक मैं रह गया था और एक मेरा भतीजा रह गया पास, एक बच्चा। मतलब आपने ये ठानी हुई है कि आपकी पूरी फैमिली ने विन करना है, सारे विन करेंगे, इनकी फैमिली में 12 से 13 लोग ये बता रहे हैं कि ये गेम खेलते हैं और आप कह रहे थे सबने विन कर लिया और आपने भी विन कर लिया, यानी कि अब एक ही रह गया, आपका भतीजा रह गया। तो बस ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आज वो भी विन कर जाए ताकि आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगली बार इसकी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नजर साहब पीछे से गेम की आवाज थोड़ी कम करते हैं, बहुत आवाज आ रही पीछे से। ये दूसरे मोबाइल सर मेरे सर पे थे, काफी सारे इन्होंने ऑन किए हैं जी। यहाँ तो आप आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, हो गए जी, हो गए सर। कितने कार्ड से और कौन से वाला जीता? 5 कार्ड्स थे और थर्ड नंबर वाला कार्ड था। सर क्या बात है, पैसे मिल गए आपको, आप लोगों को? जी पैसे रिसीव हो गया, मैसेज भी कर दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है जी, कमाल है जी, कमाल है। तो आगे अब एक फैमिली से दूसरी फैमिली में भी ट्रांसफर करें, दोस्तों में भी फैलाएं, अपने कोलीग्स में, अपने दोस्तों में, वहां पे भी इस गेम को फैलाएं और मिलके सारे जीते और ऐश करें। बिल्कुल जी, और अगर आपको हमारी गेम पसंद आई है, हमारे जी जी गेम बढ़ेगी, जरा लोग बढ़ेंगे, मजा आएगा, जरा एंजॉय करेंगे हम लोग बैठ। और जी सिर्फ मजा ही नहीं आएगा, गेम जैसे जितने ज्यादा फैलेगी तो उतने ज्यादा प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं अगर हमारे प्लेयर्स 1000 प्लस जाते हैं तो इंशाल्लाह गाड़ी भी हम लेके आएंगे इस गेम के अंदर, और अभी 250 पे भी हम डबल कर रहे हैं कैश प्राइस। तो ये डिपेंड्स कि हमारे पास कितने प्लेयर्स आते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी नकी साहब, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज जी। सरफराज साहब और नकवी साहब दोनों के मैसेज आ गए हैं कि उनको पैसे रिसीव हो गए हैं। और सायरा माजरत में आपके मैसेजेस पढ़ा था बट कॉल के दौरान मैं नहीं जवाब दे सका। सायरा गेम समझा दूं आपको, आपके नंबर्स लगे ठीक है हम मानते हैं बट आपके वो दो नंबर्स नहीं लगे जो जीतने के लिए चाहिए थे। गेम समझा दूं आपको एक बार फिर से जो जो न्यू प्लेयर्स हैं, और सायरा आप सुन ले जरा गौर से, आपके पास जो कार्ड नजर आ रहा है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 24 नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें टोटल, उसके सेंटर में एक बॉक्स बना हुआ है, वो बॉक्स को जब आप दबाएंगी दो इस बार तीन नंबर्स ग्रीन में शो होंगे। पिछली गेम में दो हो रहे थे, इस बार तीन नंबर्स ग्रीन में शो हो रहे थे। अगर आपके दोनों ग्रीन वाले लगे हैं तो फिर तो आप हमें बताएं, हम उसको मसले को देखते हैं। अगर आप दोनों लगे होंगे ग्रीन वाले लगे होंगे हमारे पास सारा डेटा सेव होता है, आपको चेक कर लिया जाएगा, और अगर आपके दोनों लगे हुए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। आप सिर्फ हमें बता दें आपके दोनों ग्रीन वाले लगे थे कि नहीं, और जो बाकी न्यू प्लेयर्स हैं तीन ग्रीन वाले नंबर्स लगेंगे तो आप जीतेंगे। और ग्रीन वाले कैसे पता चलेंगे, वो डब्बे को दबाएंगे चंद सेकंड के लिए थोड़े से नंबर ग्रीन होंगे और वो ग्रीन नंबर्स हैं किधर, इस चरखे के अंदर। इस चरखे के अंदर 1 से लेकर 100 तक नंबर्स, आपके भी तीनों नंबर इसमें पड़े हैं। दुआ करें वो निकल आए, जैसे जैसे निकले आएंगे आपने उनको दबाना है, और जैसे वो तीनों दब जाएंगे, तीनों दबने लाजमी है, बिंगो का बटन आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसको भी फौरन से दबा देना है। बिल्कुल, और अभी हम पहला नंबर निकालते हैं क्योंकि लोगों से इंतजार नहीं हो रहा है, और इस वक्त पैटर्न भी हमारा लेंथी है, तीन नंबर्स इस वक्त पैटर्न में मौजूद है। पैटर्न कैसे पता करना है, वो आप गिफ्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको पैटर्न शो हो जाएगा कि आपको कौन कौन से नंबर चाहिए, वो ग्रीन हुए होंगे। अगर वो नंबर इसमें से निकल आते हैं चरखे में से, आपने ये करना है सिंपली इन पे क्लिक करना है, वो नंबर मार्क हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे और आप विनर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द गेम जी। जी हाँ, आपकी ईमेल को हम देख लेते हैं क्या चक्कर है जी, देखते हैं क्या सीन है। एंड नंबर इज फर्स्ट नंबर है जी हमारे पास 42। लास्ट गेम का एंड 41 पे हुआ था और 42 से इस गेम का आगाज हो रहा है और ये सीक्वेंस बन गया है। अब हमारे साथ इब्राहिम मलिक कर रहे हैं, आई विल विन दिस गेम, गुस्से में लग रहे हैं, इनका नाम भी बहुत गुस्से में है जी। तो इब्राहिम उम्मीद करते हैं कि आप ये गेम जीते यार, इंशाल्लाह आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। अरे अरे आज पांच वाले नंबर्स मेहरबान हैं मुझ पर, ये इफ्रा बोल रही है पांच वाले नंबर्स, क्या बात है, व्हाट डज दैट मीन, कि फाइव की सीरीज में इनके पास नंबर्स होंगे मेरे ख्याल से, ओके, जो जीतने के लिए चाहिए। फ्रेंच चल रही है जी यहाँ पर काफी, आप सारे पढ़े लिखे हैं बट मेरे ख्याल से लैंग्वेजेस काफी लोगों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आती है, दो तीन लोग फ्रेंच लिखते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्या बात है। मुझे बहरहाल जो है वो फ्रेंच नहीं आती है बट यहाँ पे हमें आप ही बताएंगे कि फ्रेंच को ट्रांसलेट करके बताएं जो आप बता रहे हैं जी। बॉयू का मतलब होता है हाय कह रहे हैं एक दूसरे को, ये हेलो हाय लगे हुए हैं, क्या बात है जी, सलाम कह रहे हैं फ्रेंच में, क्या बात है, अच्छा लग रहा है जी हमें। और किस किस को कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, कोई है पंजाबी, सिराइकी वाले कदीर खान साहब, सरफराज भाई आप बकर से क्या लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पर जी, सरफराज साहब बताएं बकर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है और क्या आपकी जुबान है वहाँ पे, आप क्या यूज करते हैं, लेकिन हम आपका एक्सेल तो नहीं सुन सकते बट बिल्कुल सायरा आप कह रही एक कार्ड पर दो नंबर लगे थे ठीक है बट क्या वो ग्रीन वाले नंबर से, अगर तो ग्रीन वाले नंबर से तो फिर हमें बताएं, फिर हम डेटाबेस में जाकर चेक कर लेंगे, कंप्यूटर जी को कहते हैं आपका कार्ड निकल आएगा सारे का सारा। और बिंगो का बटन अगर आपके सामने आया था तो उसको आपने दबाना था, अगर आपके ग्रीन वाले लगे हैं तो मुझे लग रहा है आपका ग्रीन वाले नहीं लगे थे। नजर भाई कह रहे हैं जी सायरा मेरी भाभी है, वो कह रही है दोनों नंबर ग्रीन थे, हसनैन जरा चेक करें, ठीक हो गया नजर नकवी साहब हम चेक कर लेते हैं, डोंट वरी, अगर दोनों ग्रीन वाले लगे हुए तो हम 500 रुपए देने के देनदार होंगे आप लोग, मसला नहीं है। और हम आपको ये बता सकते हैं कौन से कार्ड पे थे, अगर पांच कार्ड से थोड़ा सा इजी हो जाएगा चेक करना हमारे लिए, ये बता दें बस जी। बिल्कुल जी, अगर आप ये कार्ड भी बता दें हमें हम तब तक कंप्यूटर चेक कर लेते हैं, हम एक नया नंबर निकाल लेते हैं। बिल्कुल जी, एंड द नंबर इज 60 इज द नंबर, जल्दी से तैयार करें इससे पहले कोई और विन कर जाए, तो 60 नंबर निकल आया है, 60 नंबर है। अपने कार्ड्स में देखें, ग्रीन पैटर्न में देखें, कार्ड स्वाइप करके देखें, ढूंढें कहीं ना कहीं मौजूद होगा, और जल्दी से टैप कर दें इसको। बिल्कुल सायरा, अगर आपके कार्ड्स पे लगे हैं तो हम आपके देनदार हैं, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, बस ये हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं कि कौन सा कार्ड था, 1 2 3 4 5
ताकि हमें ढूंढने में थोड़ा इजी हो जाए। अगर ये बता देंगे ना आपके कौन सा कार्ड था तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अगर आप जीती हुई तो आपको कल की गेम में पैसे तो आज ही ट्रांसफर हो जाएंगे, चेक करेंगे हम उसको और कल की गेम में लाइव कॉल पर ले लेंगे। डोंट वरी जी, डोंट वरी सायरा, इफ इट्स अ बग आ जाता है, टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, सो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने हाईलाइट किया हमारी टेक्निकल टीम इसको देने के लिए दीनदार है आके, तो हम आपको देंगे, जरूर देंगे। और अभी तक जो है शुक्रिया भी करना चाहिए कि हमें बता रही है कि हमारी तरफ से फॉल्ट है, थैंक यू सो मच, इसको हम जरूर ठीक करेंगे। और जैसे कि आपकी पूरी अगर आप वो नजर साहब कहते हैं आपकी आप उनकी भाभी हैं तो आपको पता होगा ये गेम दो नंबरी नहीं है, इसमें अगर आप जीती हैं तो आपको जरूर पैसे मिलेंगे, तो डोंट वरी। और थैंक यू, आपने हाईलाइट किया ये हमारी मिस्टेक है, इसको हम जरूर देखते हैं। सायरा जी हमारी आज की विनर है, तो ये भी हमारी विनर है, इनको भी हाईलाइट कर दिया जाता है और इनको कल की गेम के अंदर जो है हम लोग इनको कैटर कर देंगे। बिल्कुल चेक करेंगे इनके कार्ड पे अगर नंबर लगे हुए हैं जैसे कि ये कह रही है। And the number is 35 number आ चुका है और ये तीसरा राउंड है इस गेम का, थर्ड गेम का थर्ड राउंड है, 35 इज द नंबर। और देखते हैं इससे हमारे पास विनर आता है या नहीं आता। तीन नंबर्स हैं इस पैटर्न में, तो जी 35 किस किस का लग गया है हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं, 35 किस किस का लग गया है। बिल्कुल जी, कंप्यूटर जी 60 को भी कॉल करते हैं, कर रहे हैं जी, जी हाँ डोंट वरी 60 कॉल हो जाएगा, थोड़ा सा मिल जाता है आपको 60। और जी एक रिडल पूछ लें आपसे, वो किधर गए जिसका उल्टा करके लिखे तो एक परिंदे का नाम बन जाता है। मसूद भट्ट साहब की पहली का मेरा नहीं ख्याल जवाब आया था कि वो कौन सा जानवर है जिस जो अपनी स्किन बदलता है, और काफी लोगों ने सांप कहा बट भट्ट साहब ने कहा नहीं जी सांप आंसर नहीं है, वो शेर वाला नाम आ गया था, उसका मोर था और रोम बन रहा था, तो वो ठीक है। फरी मोहसिन कहाँ गई आपकी वो पहेली, क्या मोर ही जवाब था उसका, और मसूद भट्ट साहब आपकी पहेली किधर गई जी, हम नहीं भूलते जी। फरी मोहसिन तो कह रही है जी मोर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब था, ठीक हो गया। मसूद भट्ट साहब किधर है, आपका वो कौन सा जानवर था जी जिस जो अपनी स्किन चेंज करता है, स्किन तो आई थिंक सांप ही चेंज करता है, बट वो कह रहे हैं जी नो स्नेक आंसर नहीं है। गिरगिट दुआ जी ने कहा है जी गिरगिट, इमरान खान ने भी गिरगिट कहा है, और कौन है जी गिरगिट भी करता है, गिरगिट रंग बदलता है, रेप्टाइल लगता है, चेंज करता है इसके। मोर तो बिल्कुल ठीक जवाब हो गया, फरी मोहसिन ने कह दिया जी मजबूत भट्ट साहब आप ही जवाब दे दें हमें, बट मोर स्किन चेंज करता है, नहीं नहीं मोर रोम वाला जवाब दे रहे हैं, दो डिफरेंट हां जी ओके जी। तो एक और बॉल निकाल बॉल निकाल लेते हैं, तब तक आप सोचें इस पे जी मजीद। क्रिकेट भी सही जवाब नहीं है, इसका मतलब है कोई ज्यादा इंटेलिजेंस वाला रिडल है ये। 85 इज द नेक्स्ट नंबर, 85 जब तक आप रिडल सॉल्व नहीं करते 85 नंबर निकल गया अपने कार्ड में, इसको जल्दी से टैग कर दें, इससे पहले आपका ये बिंगो का बटन कोई और प्रेस कर दे और विनर हो जाए। 85 को दबाना मत भूलिए, रिडल्स तो सॉल्व होते रहेंगे लेकिन ये कैश प्राइज हाथ से निकल जाएगा, तो 85 इज द नेक्स्ट नंबर। बिल्कुल जी, सारा कह रही है थिंक थर्ड कार्ड, थैंक यू सो मच सारा फॉर गाइडिंग अस, किस किस के कौन से नंबर्स लग गए हैं। अशर नकवी का एक लगा है, ये 85 किसका लगा है जी, चार नंबर्स कॉल आउट हो चुके हैं और जिस जिसके जो नंबर लग चुके हैं करनी हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताते रहा करिए, ताकि एक्साइटमेंट लेवल जो है गेम का वो बरकरार रहे। तो अभी तक हमारे पास जो चार नंबर निकले हैं जी उनमें है 35, 42, 60 and 85, ये चार नंबर्स अभी तक हमारे कॉल आउट हो चुके हैं और अभी तक हमारे पास कोई विनर का नामो निशान नहीं है। जब तक विनर का नामो निशान नहीं है, वी हैव अनदर टैलेंटेड मेंबर जिन्होंने हमें वीडियो सेंड किया हमारी टीम को अपनी एक आर्ट दिखाने के लिए, उन्होंने बोला कि यार मेरा ये टैलेंट है, और वो सेल्फ लर्नर हैं, खुद ही सिंगिंग करते हैं घर पे और खुद ही कवर्स बनाते हैं। नाम उनका है महमूद अली और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से, और वहाँ से हमें ये वीडियो मौसूल हुई है हमारी टीम को, और ये में प्ले करेंगे हम लोग और आप अपना फीडबैक भी देते रहिएगा कि आपको उनका टैलेंट कैसा लगा। तो जी कंप्यूटर जी, महमूद अली की जो टैलेंटेड वीडियो है, जो एक्स फैक्टर है उनका, उसको प्ले किया जाए, आवाम को दिखाया जाए कि कितने टैलेंटेड हैं हमारे प्लेयर्स। बिल्कुल जी, जब तक वीडियो आ रही है तब तक एक बॉल भी दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, का खाली आया जनाब आला, दूसरी बार भी खाली आया, बहुत लोग दुआएं कर रहे हैं
और आज पहली दफा तीसरी बार भी हार लिया है। अब आ जाओ नंबर आगे है एंड नंबर है 62। कैन वी हैव अ विनर विद दिस नंबर 62 नंबर आ गया है। क्या वीडियो से पहले विनर आ जाएगा हमारे पास? कंप्यूटर जी विनर नहीं निकालना अभी। विनर नहीं आया अभी तक। 62 कॉल हो चुका है जी, उसने 62 कॉल हो चुका है। और हमारे पास रिडल के भी आंसर आते जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं जी कॉकरोच 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 चेंज करता है, तो जी ये तो जिसने रिडल पूछी है वही बताएगा। आई एम नॉट दैट मच इंटेलिजेंट जी, मुझे भी आंसर नहीं पता। और अलीजा खान कह रहे हैं नहीं अपनी डांस वीडियो भेज सकते हैं अगर अच्छा सुलझा हुआ डांस है, कोई टैलेंट है जैसे डांसिंग होती है, लिप लॉकिंग पता नहीं क्या कहते हैं उसको जी, हिप हॉप होता है काफी, लिरिकल हिप हॉप बड़े मजे डांस क्लासिकल व्हाटएवर, अगर आप में टैलेंट है तो आप शेयर करें। हम इसी तरह जैसे हमें लोग भेज रहे हैं तो यहाँ पे प्ले करेंगे सबके सामने, शाउट आउट देंगे उन्हें। तो अभी ये फिलहाल हमारे पास महमूद अली की वीडियो है, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, सिंगिंग करते हैं, ये सिंगर है और सेल्फ लर्नर है, खुद सीखा है। तो जी आप अपना फीडबैक दें, वीडियो देखते हैं। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बता दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तू साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तू साथ हो, अगर तू साथ हो। सपने तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बता दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तू साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तू हो, अगर तू साथ हो। तेरी नजरों में तेरे सब अच्छा गाया इन्होंने, बहुत अच्छी आवाज है और बिल्कुल हमारी उम्मीद कर देंगे जो देखने वाले हैं नाज़रीन और सामईन जो सुन रहे हैं उनको भी इनकी आवाज ने बहुत ही हिला के रख दिया होगा। तो आप बताएं कमेंट करके, और YouTube पे भी इनको फॉलो कर लें, महमूद अली के नाम से हैं, इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट की जरूरत है। ये हमारा टैलेंट है जिनको हम यहाँ पे शाउट आउट दे रहे हैं, जिनको अंडर रेट किया जाता है, जिनको शाउट आउट नहीं मिलता बेचारे आगे नहीं जा पाते, तो ये वो लोग हैं। और आई थिंक यार इस तरह के टैलेंट को आगे जाना चाहिए और ये आप लोगों की सपोर्ट से जाएगा, ऐसे बंदों को सपोर्ट करना चाहिए और इनके यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। और इसी तरह लेट्स प्ले बिंगो है, उनके ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और ये हेल्प करने के हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ये वीडियो अगर आपने देखनी होती है, अपनी लाइव कॉल सुननी होती है, तो आप यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं पूरी वीडियो। रोज हर गेम की स्ट्रीम अपलोड होती है, तो जिस गेम में आप जीते होते हैं उससे नेक्स्ट गेम देख लिया करें, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी आवाज आती है उस गेम में बड़ी मजे की। चैनल का नाम लेट्स प्ले बिंगो लाइव, जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपनी खूबसूरत सी आवाजें वहां पर सुने। तो जो गेम आप जीते हुए हैं और अगर आप अपनी फैमिली से दिखाना चाहते हैं दोस्तों की, यार ये मैं पुरानी गेम जीता, तो ये हमारी सारी गेम्स रिकॉर्डेड होती है, ये हमारी सारी गेम्स यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, वहां पे अपना गेम शो जिस डेट पे आपने विन किया है उसकी स्ट्रीमिंग वहां से आगे शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली। बिल्कुल जी, मैं तो ये वीडियो जाकर अभी अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी आवाज है, मैंने आज तक नहीं सुनी थी बट अभी मैंने सुनी है तो मैं तो फैन हो गया जी।
बिल्कुल, और आप भी इनकी वीडियो जो है जाके शेयर करें। और सुल्तान्स का ये टैलेंट है, सुल्तान्स क्या है वो भी आपको हुसनैन ने बताया होगा। सुल्तान्स की टी शर्ट भी मैंने पहनी है। हम तो फाउंडर ऑफ सुल्तान्स, और सुल्तान्स एक कम्युनिटी है इन टैलेंटेड लोगों की जो सेल्फ लर्नर्स हैं, खुद से प्रमोट होना चाहते हैं, जिनको शाउट आउट की जरूरत नहीं है, जो कहते हैं यार हम सेल्फ बिलीवर्स हैं, हम गिवअप नहीं करेंगे, हम नेपोटिज्म खत्म करेंगे इंडस्ट्री से। सो ये वो लोग हैं, और ये सेल्फ मेड कम्युनिटी है, और हमने ये कम्युनिटी बनाई है, और उम्मीद करते हैं जो जो लोग टैलेंटेड है वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहे। बिल्कुल जी, मुझे कम्युनिटी का मैसेज आया जी, आप भी बड़ा अच्छा गाते हैं जी, क्या ऐसे ही है? तो जी हुसनैन से आज लाइव सॉन्ग सुनना चाहिए हमें, ये एक दो कॉल्स निकालने के बाद हुसनैन से लाइव सॉन्ग सुनेंगे हम, ये हमें पता चल गया कंप्यूटर जी ने हिंट दिया है कि हुसनैन सिंग्स एज वेल, ये मेरे पास मैसेज आया कंप्यूटर जी बहुत चला गया हमारा। आपकी और जो जो ब्रेक डांसर है, अगर आपकी वीडियो अच्छी हुई जैसे की इसकी आवाज अच्छी थी तब हमने प्ले किया, अगर कोई वैसे फारिग आवाज वाला आएगा वो नहीं प्ले करेंगे। अच्छा टैलेंट होगा, अच्छा टैलेंट होगा, ओनली इट विल बी देन प्लेड। अगर आपकी ब्रेक डांसिंग अच्छी है तो आप वीडियो भेजें, हम चला देंगे, डोंट वरी जी। नेक्स्ट बॉल, यार हमजा उस्मान कह रहा था मैं जीत गया, कैसे जीते हमजा उस्मान, हमारे पास तो विनर नहीं शो रहा। आपको फिर समझा दो हमजा उस्मान, डब्बे को दबाओगे जो कार्ड के बीच में एक बॉक्स है, तीन नंबर स्क्रीन कलर में शो होंगे, वो तीनों लगेंगे फिर आप जीतोगे। बिंगो का बटन खुद पर खुद स्क्रीन पे आ जाएगा, जब वो तीनों ग्रीन वाले लगेंगे तब आप जीतोगे। आप बहुत निकाले लेकिन सॉन्ग की फरमाइश आ रही है, फातिमा खान कह रही है चले सर एक सॉन्ग हो जाए फिर, आज आपको एक सॉन्ग सुनाना ही पड़ेगा, बड़ी तारीफ सुननी है आपकी। हुसनैन भाई आज भी अपनी सुरीली आवाज सुना दे, इसा अशरफी बोल रहे हैं तो जी फरमाइशें आ रही हैं। देखिए जी वो बंदा बड़े अच्छे सिस्टम पे बैठा था, प्रॉपर माइक्स लगे हुए थे उसके, उसका सिस्टम बड़ा अच्छा था। और हम बिंगो के स्टूडियो में बैठे हैं, ये सिस्टम किससे कम है, ये भी माइक लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, यू कंप्यूटर जी आवाज कैसी है कंप्यूटर जी बताएंगे टेस्ट करके जी। जी उसका नाम काफी लोग पूछ रहे जी, महमूद अली नाम है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हर जगह पे जाके फॉलो करें यार, बहुत अच्छी आवाज थी, जिस चीज को भी पसंद आई है गो सपोर्ट है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप सुल्तान्स का ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको महमूद भाई जरूर मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ये सारी कम्युनिटी एडेड है टैलेंटेड लोगों की। बिल्कुल जी, अब्दुल रहमान और जोहा किसी को मोटा वगैरह ना इस्तेमाल, ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करें, कितनी बार बताना पड़ेगा प्लीज ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करें। एंड द बॉल इज 89 नेक्स्ट नंबर, टैलेंट अपनी जगह लेकिन बिंगो अपनी जगह, बिंगो जो है वो आपको कैश प्राइजेस देता है और एक प्लेटफॉर्म देता है। 89 नंबर निकल गया है और अगर कोई विनर है तो हमें शॉप करे और ले जाए आज का कैश प्राइज 500 रुपीज। जल्दी से आ जाए विनर वरना गाना गाना पड़ देना मुझे। और जब तक विनर नहीं आता हम लोग रिक्वेस्ट करते रहेंगे मेरे को होस्ट हुसनैन हसन भट्ट को कि वो हमें एक सुरीली से आवाज में गाना सुना दे, क्योंकि अब मैं फॉर्म को पहुंच रहा हूँ महमूद अली की सुरीली आवाज सुनने के बाद, और मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं मजीद कुछ सुरीला सुनूं। यार देखिए हसन भाई थोड़े बहुत फैन हुए हैं वो भी मेरी आवाज सुन के चले जाएंगे। शानी भट्ट कह रहे हैं जी बैड लैंग्वेज अलर्ट, बैड लैंग्वेज अलर्ट जी कंप्यूटर जी इसको फौरन पता लगाया जाए बैड लैंग्वेज अलर्ट है, और ये क्या अलर्ट है ताकि फौरन से इसको वार्न किया जाए और अगर ज्यादा बैड है तो बैन कर दिया जाए। तो डोंट वरी शानी जी भट्ट साहब आप बेफिक्र रहे हैं, कंप्यूटर जी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं बैड लैंग्वेज और वो कंप्यूटर जी बहुत अच्छे आ रहे हैं और फौरन से बैन कर देते हैं। और आपके कहने से पहले ही उन्होंने वार्निंग दे दी थी अब्दुल रहमान और जोहर को, तो घबराना नहीं आपने, एक और बॉल निकालते हैं शायद कोई विनर आ जाए। क्यों जा रहे हो वासित अली, अभी बॉल 1500 जीते हो, ये किधर जाना है, कोई शेर भेजो जिसको मैं इनको गा के सुना दूं। जी वासित अली साहब आपने सही कहा, पहले हसन भाई सुनाएंगे। वासिद भाई ये जुर्म नहीं करें इस पे, हाँ मैं एक दिन सुनाऊंगा लेकिन अभी इज नॉट द राइट टाइम, सो पहले थोड़े मुझे फैंस बना लेने दे वरना अभी इसी मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो 44 इज द नेक्स्ट नंबर, 44 जल्दी से टैप करें अपने कार्ड्स पे और लेट्स प्ले बिंगो के साथ, बिंगो का बटन आएगा, बिंगो पे क्लिक कर दें और आज का कैश प्राइज जीत जाए। 44 नंबर 89 किसी का लगा था, जिसका लगा था तो उसको दो नंबर्स और चाहिए ग्रीन वाले, वो चाहिए आपको, जब तीनों ग्रीन वाले जीत जाएंगे तब एंड वी हैव अ विनर जी, वी हैव अ विनर फ्रॉम गुजरांवाला
जैनुल हसन इज द विनर फ्रॉम गुजरांवाला। जैनुल हसन ने बिंगो कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस जैनुल हसन फ्रॉम गुजरांवाला। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, फर्स्ट फ्रॉम द भक्कर, देन गुजरांवाला एंड लाहौर। सो इट्स ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारी गेम जो है वो फैल रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। और ये जब हमें बहुत खुशी होती है, स्पेशली जब कोई डिफरेंट सिटी का, लाहौर से बाहर का कोई बंदा जो है वो विन करता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। कोई सरप्राइज देना चाहेंगे, क्योंकि प्लेयर्स कभी कभी चले जाते हैं, आपकी तरफ से कोई सरप्राइज है जी आज? क्योंकि फ्राइडे नाइट स्पेशल है, सुल्तानों के सुल्तान हमेशा सरप्राइज लेकर आते हैं कोई ना कोई। आई थिंक आज हमने बहुत अच्छी आवाज सुन ली है और टैलेंट देख लिया है, इससे बढ़कर क्या सरप्राइज हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और सरप्राइजेस मजीद आपको नेक्स्ट फ्राइडे में मिलेंगे। और अपना टैलेंट शो करें। मैं, मेरा फाइनल मैसेज ये है कि नेवर गिव अप, वही जो मैंने आज मैसेज दिया उसने, वो भी तारीफ। एक सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा, एक सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है कि आज मुझे ये पता चला है, मेरे कंप्यूटर से बताया है, एक राज खोला है कि मेरे को कोर्सेस हैं जो है बहुत अच्छा गाते हैं। और ये सरप्राइज जो है वो आज आपको मिलेगा बिफोर वी एंडिंग दिस शो। आज आप स्नैन गाना सुनेंगे, गाना सुना दें स्नैन जल्दी से। शाबाश यार, देखिए गला भी कुछ पानी भी नहीं पिए, कितनी देर हो गई है। कंप्यूटर जी नहीं, कंप्यूटर जी कैसे पानी लेंगे? टेक्निकल टीम, हमारा सपोर्टिव स्टाफ जल्दी से पानी ले आए स्नैन के लिए, पानी लेके आए ताकि ये गाना शुरू कर सके उसने। बड़ा बुरा फसाया कंप्यूटर जी ने यार, मेरे राघवर को कॉल की जा रही है, प्रोड्यूसर साहब कॉल कर रहे हैं, तो टाइम गुजर रहा है, तो गुजर दिन में मैं तो कहता हूं। तो इस ऐसा कह रही है जी, यस गुड सरप्राइज फॉर अस। सो इसी लोगों को अच्छा लगता है यार ये सरप्राइज। तो जब सुल्तान वाले आते हैं, सुल्तान सा काम क्या है यार? टैलेंट को प्रमोट करना, जिन लोगों को टैलेंट है उनको पॉलिश करना। एंड हमें, मेरी जो आंख है ना वो लोगों के अंदर छुपा टैलेंट देख लेती है, मेरी कम्युनिटी ऐसा है। तो अगर आपको नहीं यकीन तो आप मेरे, आप तो मेरे ग्रुप में मौजूद हैं, फेसबुक पे मेरा ग्रुप है, फेसबुक पे पेज भी है सुल्तान एक्स, शर्ट पे लोगो भी नजर आ रहा है, दिस इज द लोगो एंड सुल्तान एक्स। आप ग्रुप ज्वाइन करें अगर आप वहाँ पे टैलेंट देखना चाहते हैं, वहाँ पे डिफरेंट थीम्स, वहाँ पे भी कैश प्राइजेस वगैरह और गिव अवेज, गिफ्ट्स वगैरह जो है वो मिलते रहते हैं डिफरेंट थीम्स के ऊपर। वहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं, गेम्स होती हैं। फेसबुक पे एक छोटे से कम्युनिटी है हमारी। तो अभी हुसैन आपको गाना सुनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सिंगर है और छुपा रास्ता नहीं। यार मैं गाना नहीं गा सकता, शायरी में आपको थोड़ा सा ट्यून दे देता हूँ। गाना तो लिरिक्स याद करते हैं, उसके लिए थोड़ा चाहिए, जैसे वो भाई ने प्रैक्टिस की थी बहुत ज्यादा। प्लीज वन मोर गेम। नहीं जनाबे आला, गेम तो बस यही है, आज की आखिरी गेम है, तो मसला कोई नहीं। हो सकते सरप्राइज हो, प्रोड्यूसर साहब आए कोई सरप्राइज दे दें। थोड़ा सा शर्मा तो मैं, शर्माना किस बात का यार, लाइव आ रहे हैं, शर्माने वाली बात तो नहीं है, बट कुछ आपको थोड़े से शेर सुना देते हैं, मजे की शायरी है। ऐसा कह रही है नो पोएट्री सॉन्ग। चलें जी, आप गजल सुना दें। जी ये गजल के साथ, सुर के साथ। हाँ जी, थोड़ी सी गाते हुए। बट जैनुल हसन साहब आगे मेरे ख्याल से, हमारे साथ नहीं आए आगे लाइन। तो जैनुल हसन साहब ही सॉन्ग सुन लेंगे, आप सॉन्ग सुना लें। यार मैं वो कोई दीवाना कहने लगे हैं जी हम। ओके जी, तो ये बड़े मजे की गजल है जी मेरे पास। के कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता। वाह 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 वाह, कमाल कर गए हसनैन भाई आप, कमाल कर गए यार। कैसा लगा हमारा होस्ट यार, लश या लश? देखिए कमेंट्स आ रहे हैं, लश करता है यार ये बंदा। तो ये टैलेंट छुपा हुआ था जिसमें, देखिए आपको सरप्राइज मिल गया आज, और अब आप उनकी पूरा हफ्ता जान रहेंगे नेक्स्ट वीक तक। इनसे डेली गजल सुननी है आपने, ये मैं आपको एक टैलेंट देके जा रहा हूँ, और ये आप डेली से आप सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बस ये छोटा सा हमें हसन भाई ने काम लगवा दिया, कंप्यूटर जी ने काम लगवाया। बिल्कुल, यू आर टू गुड हसनैन भाई, अब अपनी तारीफें भी सुनते जाएं। सर थैंक यू सो मच, सर थैंक यू जी। जैन भाई प्लीज आप दूसरी कॉल बंद करते हैं और ये हमारी कॉल उठा लें। जैन और हसन भाई से भी कोई बात कर लें, गपशप कर लें।
जी आज की आखिरी गेम जैन हसन भाई जीते हैं। आज की भी गुस्से वाले लग रहे हैं जैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है जनाबे आला? अल्लाह का शुक्र। ये गुजरा वाला फैमिली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है जी। बस जी बड़े दिल वाले लोग हैं, स्ट्रॉन्ग तो होंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। कश्मीरी हैं आप भी? गुजरा वाला में काफी लोग कश्मीरी हैं। नहीं, हम कश्मीरी नहीं। सही हो गया, सही हो गया। तो आज तो डॉली पिज्जा मांग रही आपसे। चले जी, हम हाजिर हैं। हाजिर है बिल्कुल जी। 500 रुपया मिल गया आपको सर? जी जी मिल गया। तो कितना फैलाया इस गेम को गुजरांवाला में आपने? तुसी आप अकेले ही आते हैं गुजरांवाला से? आपकी फैमिली नूश आ गई, जरीश आ गई और आप आ गए, बाकी किधर है गुजरांवाला वाले? अभी मैं लाहौर से ही आपको दे रहा हूँ मेंबर जो है। अच्छा, नाइस, ठीक हो गया। और गुजरांवाला से भी तो लाए ना सर, बड़ा मजे का शहर है गुजरांवाला। छोटा सा शहर है बट है बहुत मजे का, जीदार लोग रहते हैं वहां पे। माशाल्लाह, मतलब के तीसरा दिन आज है जिसपे आपकी तस्वीर लगी, आपका मैसेज भी आया था ये। हाँ जी, मैंने कहा था। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह तीनों दिन आपकी तस्वीर लगेगी। हसन भाई कुछ कोई टैलेंट? बिल्कुल, अगर जैन भाई आपके पास भी कोई टैलेंट छुपा है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको जो है लाइव चेक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और गेम को फैलाते रहें, खेलते रहें और जीतते रहें बहुत सारे इनाम। मैसेज भेज दीजिएगा प्लीज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये थे जैनुल हसन भाई जो के जीते हैं आज। दो दिनों से इनकी बड़ी सिस्टर अनुश फरजीन जीत रही थी, आज ये जीत गई है। मतलब कि ये भी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, खान फैमिली, नकवी फैमिली और ये गुजरांवाला वाली फैमिली जी। जी, और अगर बाकी फैमिलीज भी इसमें पार्ट लें, देखें सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा एल्गोरिथम है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितने ज्यादा एक फैमिली से लोग खेलेंगे एक साथ उतने ज्यादा उस फैमिली के जीतने के चांसेस होंगे। बिल्कुल जी, सिंपल यही फॉर्मूला है जी, बहुत सिंपल। अगर आपके 10 प्लेयर्स खेल रहे हैं मतलब हर प्लेयर ने 5-5 कार्ड लिए हो, मतलब 50 कार्ड से ज्यादा आप खेल रहे हैं, देन यू हैव मोर देन 50% ऑफ चांसेस टू विन द गेम। बिल्कुल नौशाबा। कह रही है जी हसनैन भाई, सिंग अ लिटिल बिट मोर। क्यों भाई, बस थोड़ा सा पसंद आएगा। अच्छा, आप जाने से पहले बिफोर वी एंड दिस गेम एक सॉन्ग आप यहां पे कमेंट करें जो आप हसनैन की आवाज में सुनना चाहते हैं, तो कोई अच्छा कोई लाइंस दो बता दें जो स्नैन गा लें आपके लिए ताकि हम इसको रैप अप कर सकें एक अच्छे तरीके से। और बिल्कुल जी, जैनुल हसन साहब का मैसेज का वेट कर रहे हैं, अल्लाह करे मैसेज जल्दी से आ जाए। जैनुल हसन साहब प्लीज भेज दें मैसेज, गेम बंद कर सकते। सफवान ताहिर साहब कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है प्लीज हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल ये सब लाइक कर लें ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती रहे, टैलेंटेड वीडियोस या गेम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है, वहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। ट्रूली हसनैन भाई यू संग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। साथ देने का वादा किया है, जाने जा अपना वादा निभाओ। एक बार ये कौन सी नुसरत साहब वाली है जी? मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते, बादशाह साहब कोई मशहूर भेजे जिसके कोई मशहूर हो, कोई सिंपल सा जो सबने सुना हो ताकि हसनैन भाई को ज्यादा मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो। अब होनी है गेम? नहीं, मैंने खाना, आज टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। कल इंशाल्लाह 4 गेम्स के साथ वापस आएंगे। जैन भाई ये सुनाए बादशाह साहब, मुझे लिरिक्स नहीं आते। और जैन हसन साहब को मैसेज भेज दिया, भाई जान जान छुड़ाओ साड़ी। जैन हसन भाई जल्दी से मैसेज कर दें हमारी गेम में, दैट यू हैव रिसीव्ड द कैश प्राइज, जल्दी से मैसेज कर दें हमारी गेम में। बिल्कुल जी, मेरी जान छुट जाए वरना गाना आ गया तो मैंने गाना पे जाना है। जैनुल हसन साहब मेरे ख्याल से पिज्जा ऑर्डर करने चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ गया जी, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम हैं। ओह नाइस, सो वी आर कॉलिंग जैन अगेन। जैन भाई प्लीज, वालेकुम अस्सलाम, मैसेज भेज दें, आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं हम। मैसेज मैंने सेंड किया, कोई एरर आ रहा है? एरर आ रहा है, जरा गेम को एग्जिट करके फिर आए जरा। चल मैं करता हूँ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, वेलकम।
सोचता हूँ कि वो कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसके लिरिक्स थोड़े थोड़े नहीं आते मुझे। मैंने पत्थर से जिनको बनाया था सनम, वो खुदा हो गए देखते। ये बड़े मजे किए जी। तो जी, उम्मीद करते हैं आपको हुसनैन हसन भट्ट की आवाज भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हुसनैन हसन भट्ट का भी इंस्टाग्राम चैनल जो अकाउंट है वो पब्लिक हो चुका है, आप इनको फॉलो कर लें और ये सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, बाद में हाथ नहीं आएंगे। जल्दी से इनको फॉलो कर लें, बिंगो हुसनैन जी, और वहाँ पर भी आपको गाने वगैरह सुनाते रहेंगे, वहाँ पे आपकी वीडियो सुनूंगी। नहीं जी, मैं गानों की कभी अपलोड नहीं की, बट सून करेंगे, अगर पसंद आए तो हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे जरूर। बट और... तब आप हाथ से आगे निकल जाएंगे, तब इनकी अप्रोच भी नहीं आएंगे, तो अभी अभी जल्दी से कर लें, आप फर्स्ट फॉलोअर बनने का आपको गोल्डन चांस दे रहे हैं। नहीं जी, मैंने इनको कल भी कहा था, ये जो ये लोग हैं ना, ये हमारे घर के जो निये होती है ना, ये वो लोग हैं, ये बिल्कुल सेट कर रहे हैं, हमारी बेस है, इनको हम कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल जी, अब ये जो लोग हैं इनको इन दी एंड टिल दी एंड नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, जैसे कुछ नाम तो मुझे भी याद हो गए हैं जिनको मैं हर फ्राइडे को देखता हूँ, बासित अली साहब हो गए, ठीक है, काफी नाम याद होने लगे, अलीजा हो गई, जोया है, इसके अलावा हमारे साथ शेजा है, डॉली है, जीहा है, काफी ये हारमोन हरी का। अगर इंशाल्लाह ये गेम बड़ी हुई तो आप लोगों को पर्सनल विजिट करेंगे सर, आप लोगों को हम पर्सनल विजिट किया करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की सपोर्ट है तो हम, सो दिस गेम इज लाइव बिकॉज ऑफ यू। बिल्कुल। और ज़ैनुल हसन साहब का मैसेज तो नहीं आ रहा, बट अगर कोई उनकी फैमिली से हो, यहाँ पर अनुज फरजीन हो, प्लीज उनकी तरफ से मैसेज भेज दें। ऑल्दो वैसे आई थिंक हमने गेम में जो है वो बोल दिया, कॉल पे भी उन्होंने बोल दिया, हमें एक्नॉलेज कर दिया है दैट ही हैज रिसीव्ड दिस मनी, एंड आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द एक्नॉलेजमेंट। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से फिर रैप अप करते हैं, कोई मसला नहीं, इनको तो यकीन आ चुके क्योंकि ये आए इसलिए वेनेसडे को भी जीते हैं, थर्सडे को भी जीते हैं और फ्राइडे को भी जीते हैं, और मेरी बिंगो फैमिली को भी मेरे ख्याल से इस वक्त तक जीती है, और मैसेज आ गया अनुष का, उनकी बड़ी बहन का, कि सर पैसे मिल गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी जी, अपना ख्याल रखें, हैप्पी वीकेंड, अपना वीकेंड पे अपनी फैमिली वालों के साथ गुजारें, अच्छा सा वीकेंड, और तब नेक्स्ट फ्राइडे को मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और जलील बिल्ला साहब का बड़ा मजे का मैसेज है, मेरे घर वाले नहीं सुन रहे, आप तो सुन ले, क्या कहा वो वादे वाला, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, आपके साथ पता नहीं, बस तुमसे पूरा भेजना था ना, आपने थोड़ा सा भेजा है तो क्या किया जाए, रैप अप जी, अल्लाह हाफिज कर देते हैं जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।